हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मई चैनल इवत्तु फस्ट पी यू सी पद्य भाग मोदलनेय पद्य फस्ट पोयम कबीर के दोहे पोयम एक्सप्लेनेशन आगे इवग नान क्वेश्चन आंसर्स कोड्ता इद्दीनि पोयम एक्सप्लेनेशन केळिसिकोंडिल्ल अंद्रे नानु क्वेश्चन आंसर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो लिंक हाक्तीनि फस्ट पोयम केळिसिकोंडु अर्थ माड्कोळ्ळि नानु कन्नड मत्ते हिंदी एरडल्लू एक्सप्लेन माड्तिदीनि ओके इवग क्वेश्चन आंसर्स शुरू माडोण बन्नि एक वाक्य में उत्तर लिखिए किसके प्रताप से दुख दर्द मिटते हैं सद्गुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं सेकंड क्वेश्चन कबीर के गुरु कौन थे कबीर के गुरु रामानंद थे कबीर किस पर बलिहारी होते थे कबीर गुरु पर बलिहारी होते थे फोर्थ क्वेश्चन माटी कुम्हार से क्या कहती है माटी कुम्हार से कहती है तू मुझे क्यों रौंदता है एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं तुझे रौंदूंगी फिफ्थ क्वेश्चन किसको पास रखना चाहिए निंदकों को पास रखना चाहिए कस्तूरी कहाँ बसती है कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है कबीर किसकी राह देखते हैं कबीर भगवान राम की राह देखते हैं एथ क्वेश्चन क्रोध किसके समान है क्रोध है मृत्यु के समान दुख में मनुष्य क्या करता है दुख में मनुष्य भगवान का नाम स्मरण करता है कबीर दास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कबीर दास जी के अनुसार साधु सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए नेक्स्ट मेन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए गुरु की महिमा के बारे में कबीर क्या कहते हैं गुरु की महिमा के बारे में कबीर कहते हैं कि गुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिट जाते हैं वहाँ बड़ा भाग्यशाली है कि उसे रामानंद जैसे गुरु मिले गुरु भगवान से बढ़कर है क्योंकि उन तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताते हैं अतः कबीर कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों उनके सामने हो तो वह गोविंद भगवान से पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जीवन की नश्वरता के बारे में कबीर के क्या विचार है जीवन की नश्वरता के बारे में कबीर दास कहते हैं कि यहाँ मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है इसलिए इसके प्रति अहंकार नहीं करना चाहिए जो कुम्हार मिट्टी को रौंदत है उससे मिट्टी कहते हैं तू मुझे क्यों रौंदता है एक दिन वह भी आएगा जब तू मर जाएगा तब मैं तुझे रौंदूंगी अतः मनुष्य तन का गर्व नहीं करना चाहिए थर्ड क्वेश्चन दया और धर्म के महत्व का वर्णन कीजिए दया और धर्म यह दोनों अच्छे गुण या आचरण है जहाँ दया होती है वहाँ धर्म भी होता है और जहाँ लोग लालच होता है वहाँ पाप होता है इसी प्रकार जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल या मृत्यु होती है और जहाँ क्षमा होती है वहाँ ईश्वर होते हैं अतः अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए दया और क्षमा को अपनाना चाहिए लोग व क्रोध को त्यागना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन समय के सदुपयोग के बारे में कबीर क्या कहते हैं समय के सदुपयोग के बारे में कबीर दास कहते हैं कि हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है वह अभी कर लेना चाहिए क्योंकि कल क्या होगा किसने जाना पल भर में प्रलय हो सकता है फिर कब करोगे बाद में पछताना से क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ी कबीर के अनुसार ज्ञान का क्या महत्व है कबीर दास ज्ञान का महत्व प्रतिपादित
करते हुए कहते हैं कि साधु की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना ही है तो उसके ज्ञान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमें खरीदनी और तलवार तो तलवार का मूल्य जानना है, ना कि तलवार को रखने के म्यान का, अर्थात ज्ञान को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट मेन, संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तोय। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के कबीर दास के दोहे से लिया गया है। इसके रचित कबीर दास है। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी हमें यहाँ संदेश देते हैं कि दुनिया नश्वर है, हमें किसी चीज का घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण, कवि मनुष्य के अहंकार तथा क्षणभंगुर जीवन के बारे में कहते हैं। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंदता है, एक दिन वह भी आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी, तब तुम्हारा अहंकार कहाँ रहेगा। हे मानव, अहंकार मत कर, यह जीवन क्षणभंगुर है, मिट्टी का मानव मिट्टी में मिल जाएगा, यानी मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है। इससे मनुष्य जीवन के अस्थाई होने का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के कबीर दास के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास है। संदर्भ, यहाँ कबीर दास कहते हैं कि आलोचना करने वाले का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। स्पष्टीकरण, कबीर के अनुसार हमें अपने निंदा करने वालों अर्थात आलोचना करने वालों को अपने समीप रखना चाहिए। हमें उसकी कड़वी बुरी लगने वाली बातों से नाराज नहीं होना चाहिए। कड़वी लगने वाले बातों में हमारे भलाई की, हमारे कल्याण का भाव निहित होता है। कबीर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को घर के जगह देना चाहिए। इसके पास रहने से हमको यहाँ लाभ होगा कि वहाँ बिना पानी साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देगा, अर्थात हम उसके द्वारा निंदा होने के डर से कोई बुरी कार्य नहीं करेंगे। आशय यहाँ है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्मा सुधार करने का मौका मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास है। संदर्भ, यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि हमें प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सच्ची भक्ति के साथ जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। स्पष्टीकरण, संत कवि कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटकता है, जबकि ईश्वर उसी के अंदर या उसी के पास है, जैसे कि कस्तूरी मृग की नाभि में ही है, पर मृग नहीं जानता और भ्रमित होकर सारे वन में उसे ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार घट घट में राम समाया हुआ है,
पर मानव उसे भ्रम के कारण देख नहीं पाता। सो इस्टो कबीर दास के दोहे पोयम दो क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके ओके मक्ला एला चन्ना गोदी एनादरू डाउट इद्रे नीवु ननगे कमेंट माड़ी नान निम्गे आंसर मार्तीन। ओके स्वल्प कोल्ड आगिदे ननगे सरिया केलिल्ल अंद्रे मत्ते वीडियो नोड़ी। ओके ओके मक्ला एला चन्ना गोदी टेक केर बाय बाय।